कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बिना अनुमति के बुधवार को आगरा जा रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रोक लिया था इसी दौरान उत्तर प्रदेश की कुछ महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला दरोगा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी ले ली देखते ही देखते महिला पुलिसकर्मियों वाली सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगी सेल्फी के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूपी के पुलिस कमिश्नर डी ठाकुर ने डीसीपी मध्य ख्याति गर्ग को इस मामले में जाँच के आदेश दिए पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि ड्यूटी छोड़कर सेल्फी लेना गंभीर मामला है यह अनुशासन हिंता की श्रेणी में आता है वायरल फोटो में दिख रही पुलिस कर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी महिला पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की जानकारी मिलते ही गुरुवार को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर महिला पुलिस कर्मियों के साथ वाली एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने विचलित हो गए हैं कि इन महिला पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुना है तो इसकी सजा भी मुझे मिले इन कर्मठ और निष्ठावान पुलिस कर्मियों का करियर खराब करना सरकार को शोभा नहीं देता है वही विपक्षी नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं महिला कर्मियों के साथ दिखाई दे रहे हैं और लगातार सोशल पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं